अच्छा सफलता मिला है, बंदूक मिला है। हाँ बंदूक हम लोग जब्त कर लिए हैं और बड़े वहाँ वीडियो नहीं किए हैं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग, और आज हम लोग जो है ना दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज देखते हैं हम लोग संद्रा वीर का स्वागत कैसे कर पाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सुबह में पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग। फिर से आज हम लोग चिपिनदाड़ी जा रहे हैं। कल जहाँ से हम लोग जो है ना फांस पकड़े थे, आज देखते हैं वहाँ का क्या स्थिति है। सूरज निकल गया है, हम लोग आते आते थोड़ा सा लेट हो गया है। ये हम लोग पहुंच गए हैं शिपिंग गाड़ी। सभी लोग हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो मिल गया हम लोग। खड़े बैठा लोडेड है देखो। नहीं नहीं आज हम लोग बहुत अच्छा सफलता मिला है, बंदूक मिला है। हाँ बंदूक हम लोग जब्त कर लिए हैं और बड़े वहाँ वीडियो नहीं किए हैं गाड़ी में, आप लोग दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह का जो भी शिकार करते हैं, शिकार करना अच्छी बात नहीं है। जब भी आप यहाँ पर आए थे आइएगा तो जो है ना पारंपरिक हथियार से ही आप लोग जो है ना शिकार कीजिए, ठीक है। और यहाँ बंदूक बंदूक लाना जो है मस्जिद है, ठीक है। तो बंदूक हम लोग जब्त कर लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता है। आप लोग को दिखाते हैं बंदूक। हम लोग अभी महाचल जगह में आए हैं और ये है जो है ना हाथी इलाका है। ये देखिए हाइड आउट आप लोग को कल जो दिखाए थे महाचल में, थोड़ा सा देखते हैं अगर कोई जाल उल लगाया है। और ये देखिए यहाँ पर जो ना हमेशा पानी रहता है और यहाँ पर हाथी बहुत आते हैं। बहुत ही सुंदर। अच्छा इसमें पानी नहीं सूखता है ना? नहीं पानी कभी नहीं, इसमें जो ना पानी नहीं सूखता है। हम लोग काफी उत्साहित हैं, बंदूक मिल लिया था हमारे ग्रुप भी सोच रहे और भी एक दो बंदूक मिल जाए। फिर देख रहे हैं सेम सर्च कर रहे हैं अभी सुबह। सर्च अभियान करते हुए देखिए यहाँ पर हाइड आउट है। हम लोग अभी पिंडरावड़ा जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो गई, आज निकल जाएंगे। देखिए ये है मजला बांध, और मजला बांध में भी इस बार जो है ना काफ़ी कम पानी है। इससे पहले हम लोग आए थे फरवरी के आसपास में, थोड़ा सा ज़्यादा पानी था। और तीन जो यहाँ तालाब है, छोटा बांध, मझला बांध, बड़का बांध, जिसमें जो है ना मझला बांध में ही सबसे ज़्यादा पानी रहता है।
यहाँ पर भी हर जो है हर जगह पानी का स्रोत में इस तरह का हाइड आउट बनाया गया है। यहाँ हम लोग पिंडरा बड़ा रेस्ट हाउस पहुँच गए हैं। यह है पिंडरावड़ा का रेस्ट हाउस, हम लोग देख सकते हैं। हम बोल रहे थे ना, हम लोग आज बंदूक पकड़े हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये चीज पकड़े हैं। ये देखो, जब हम लोग यहाँ से फिर निकल रहे हैं, ये जो है पिंडरावड़ा रेस्ट हाउस में नाश्ता वास्ता कर लें, डीएफओ से थोड़ा सा जानकारी ले ली, फिर अभी हम लोग चलें अपना चिपिंग गाड़ी और पंखादासा की ओर चलते हैं। तो कैसा लग रहा ब्लॉग आप लोग, तो मज़ा आ रहा है तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दो बार यही सो है इधर से आए थे, अभी तो उधर से है ना, बच्चे वाली उम्र तो पला नहीं उसको, वहाँ जाकर जमा दे दी। कहाँ से हो गए, कहाँ से हो गए, ये देखें, ये है कोंकादासा। गाड़ी चला तो मां तो यहाँ नाश्ता बन गया है, कारीगर का भी फोटो दो। ये कारीगर है, नाम आपका बताइए। कार्तिक। कार्तिक कहाँ से आए हैं? भादुड़ी। भादुड़ी का देखिए भाई, किसी को भी कारीगर का अगर जरूरत होगा तो आप भादुड़ी में कार्तिक जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे। पानी के लिए भी उत्तम प्रबंध है, वाटर टैंक, वाटर स्टेशन। कलंडिया जी काफ़ी भूखे लग रहे हैं, आप खाना खाएंगे कि ये नाश्ता करेंगे? अभी हाँ, अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करेंगे मतलब आप खाइबे कीजिएगा? खाइबे करेंगे, नहीं मानिएगा? नहीं एकदम। चलिए तब इसको दे दीजिए। यहाँ कॉटेज भी बना हुआ है, हमारे साथी लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन चायबासा का साथी लोग खा रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी मेहनती बंदा है, अपना खाने के लिए सब कुछ करेगा, इसका नाम संजय है। ये तभी से बोल रहा था कि हम यहीं का खाएंगे। फाइनली संजय का मुख में मुस्कान आ गया है, निवाला गया है। तो कैसा लग रहा संजय जी आपको यहाँ का खाना खाते हुए, क्योंकि आप पिंडरावड़ा का नाश्ता नहीं किए थे? यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शांत हो गया है। अच्छा, भूख शांत हो गया, अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। और ये घूम सकते हैं? हाँ हाँ, दुबराज तेरे लिए भी है। अभी तक चार पूड़ी हम डकार चुके हैं, ये डकारा है मतलब ये खाता नहीं है, देख लीजिए इस पुराने का, आप लोग देख सकते हैं। खीरा है एक। हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं, तो अभिषेक जी तभी से भूख लगा था तो शांत इसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, हमने सोचा चलो इसका निवाला ही खिला दें। अरे पूड़ी ही खिला देने के बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलना चाह रहा है, लेकिन अभी खा रहे हैं ना तो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, तो खाने के बाद बोलेंगे, अच्छा से बोलेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा विशु शिकार का ये छोटा सा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल किल्ला नेचुरल। हम कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम बोलेंगे कि बाकी साथियों से गुजारिश करेंगे कि ऐसा एक्सपीरियंस आप भी ले लीजिए, क्योंकि यही जो दलमा में आपको ये पूड़ी और ये छोला जो बहुत टेस्टी लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों। ओके धन्यवाद। तो ऐसा था हम लोग का ब्लॉग, तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो जो है ना आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।